सिरमौर कल्याण मंच सोलन की ओर से हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सोलन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोलन चिल्ड्रन पार्क स्थित उनकी प्रतिमा पर नगर परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही सिरमौर कल्याण मंच के प्रधान बलदेव चौहान सहित अन्य सदस्यों सहित उपस्थित लोगों ने डॉक्टर परमार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नगर परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के गठन में डॉक्टर परमार के अमूल्य योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच से ही प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्हीं की सोच की बदौलत हिमाचल पहाड़ी प्रदेशों में अग्रणी राज्य बन चुका है। डॉक्टर वाई एस परमार, जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता के नाम से जाने जाते हैं, उनकी 37वीं पुण्यतिथि है। उनको देहांत हुए 1982 मई को हुआ था और आज उनके इस मूर्ति पर हमने पुष्प अर्पण किए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। जो लोगों को ये संदेश कि उनके लिए ये अर्पित है कि वो सादगी भरा जीवन और मृदुभाषी बने और दूरदृष्टि रखे और हिमाचल के गौरव के लिए प्रयत्न करें। वहीं सिरमौर कल्याण मंच के प्रधान बलदेव चौहान ने हिमाचल निर्माण में उनके द्वारा किए गए योगदान को युगों युगों तक राज रखने वाला करार दिया। डॉक्टर परमार ने हिमाचल में सड़कों के निर्माण को अपनी पहली और अंतिम प्राथमिकताओं में शामिल किया गया था ताकि पहाड़ों में सड़कों के विस्तार से हिमाचल में समृद्धि और खुशहाली आ सके। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर प्रदेश की तरक्की में योगदान दें। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की देश का विकास और पहाड़ी प्रदेशों के विकास उनके मार्गदर्शन से ही पूरे देश के अंदर संभव हो पाया है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने एक सादगी का जीवन बिताया है और एक स्वच्छ छवि रखी है और पूरे प्रदेश को एक सूत्र में पिरोया है। और मुझे यहाँ कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने प्रथम स्पीच में ये कहा कि मैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के ही मार्गदर्शन पर चलूंगा। और हम उम्मीद करते हैं और खासकर सिरमौर के निवासी कि जिस प्रकार डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने पूरे प्रदेश को एक बराबर देखा है, उसी प्रकार ठाकुर जयराम जी भी पूरे प्रदेश को एक बराबर देखेंगे और सिरमौर को जो विकास में अभी भी 11वें पायदान में माना जाता है उसको आगे लाने के लिए प्रयत्न करेंगे।